मालाडी क्या है? मालाडी एक गर्भनिरोधक गोली है। मालाडी उन सभी महिलाओं के लिए एक आसान असरदार प्रतिवर्ती गर्भनिरोधक है जो अपना पहला शिशु देर से चाहती हूँ अथवा दो शिशुओं के बीच में अंतर बढ़ाना चाहती हूँ। मालाडी 28 गोलियों के पत्ते में उपलब्ध है। इसमें पहली 21 गोलियों में गर्भनिरोधक हार्मोन्स हैं तथा बाकी 7 रंगीन गोलियों में हार्मोन्स नहीं हैं, पर वह नियमितता रखने के लिए दी गई हैं। मालाडी किस प्रकार असर करती है? यह गर्भनिरोधक गोलियां अंडाशय से अंडे के निकास को रोकती है। क्या आप मालाडी ले सकती हैं? तो बिल्कुल, यह गर्भ रोकने के लिए बनाई गई दवाई है और एक सुरक्षित उपाय है। यह कहाँ उपलब्ध है? तो सभी स्वास्थ्य केंद्रों तथा सरकारी अस्पताल में मालाडी मुफ्त उपलब्ध है। यह दवा की दुकानों तथा सामाजिक वितरण केंद्रों पर मालाडी के नाम से उपलब्ध है। यह दवा डॉक्टरी जांच अथवा प्रशिक्षित नर्स के द्वारा जांच के बाद लें। दवा लेने के 3 माह के बाद डॉक्टर द्वारा जांच करवाएं। इसे कब लेना शुरू करें? मासिक धर्म के 5वें दिन से रक्तस्राव के पहले दिन को पहला दिन मानकर इसे लेना स्टार्ट करें। हर रोज़ एक गोली तीर के निशान की ओर से निकालकर पत्ते में से लें और एक निश्चित समय पर गोली खाने की आदत डालें। बेहतर है यदि आप रात के भोजन के बाद या सोने से पहले गोली लें। 21 दिन तक प्रतिदिन एक सफ़ेद गोली लेने के बाद बाकी रंगीन गोलियां अगले 7 दिन तक लें। रंगीन गोलियां लेने के दौरान माहवारी सामान्य रूप से होगी, इस दौरान गोलियां लेना बंद ना करें। आखिरी रंगीन गोली खाने के पश्चात पहले बताई गई विधि के अनुसार लेना शुरू करें ताकि गोलियां लेते रहें, महावारी चाहे शुरू हो चुकी हो या नहीं। यदि आप गर्भधारण करना चाहती हों तो मालाडी लेना बंद कर दें। मालाडी का एक और पत्ता हमेशा साथ रखें ताकि किसी भी कारण गोली लेने में बाधा ना आए। नियमित तथा लगातार गोली लेना गर्भ रोकने के लिए आवश्यक है। यदि आप गोली लेना भूल जाएं, यदि किसी कारणवश आप गोली लेना भूल गई हों तो याद आते ही गोली लें और उसी तरह अपनी अगली गोली नियमित समय पर लें। इस प्रकार गोली ना लेने के अगले दिन आपको 2 गोलियां लेनी हैं। यदि आप 2 या 3 बार गोली लेना भूल जाती हैं तो नया पैक शुरू करने तक गर्भनिरोध का कोई दूसरा तरीका भी अपनाएं। स्वास्थ्य के लाभ। यह खाने की गोलियां शादीशुदा महिलाओं को अपना मातृत्व चुनने की आज़ादी प्रदान करती है। गर्भनिरोध के अतिरिक्त इन गोलियों के अन्य लाभ कुछ इस प्रकार हैं। महावारी के दौरान दर्द को कम करती है। महावारी के दौरान होने वाले अधिक रक्तस्राव को कम करती है। पेड़ों में सूजन वाले रोगों से कुछ संरक्षण, अंडाशय और गर्भाशय से कैंसर के संरक्षण, गोलियों से होने वाले हानिकारक असर। पहले 1 या 2 मास तक स्तनों में खिंचाव, सिरदर्द या जी मिचलाना जैसी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन यह कुछ ही समय में ठीक हो जाती हैं। कुछ महिलाओं में लंबे समय तक इस्तेमाल से रक्तचाप, दिल का दौरा या शिशुओं में रक्त जमाव जैसी तकलीफें हो सकती हैं। किसी भी स्थितियों में यह गोली ना खाएं अगर आपको ये स्थितियां हैं। सुनिश्चित या संदिग्ध गर्भाशय,
प्रेग्नेंट हैं अगर आप, अकारण एवं अनियमित रक्तस्राव, 6 महीने से कम आयु वाले शिशु को दूध पिलाने वाली माताएं, स्थितियां जिनमें ये दवाएं ना लें जैसे दिल का दौरा, मधुमेह, शुगर, शरीर के किसी भी हिस्से में सुनिश्चित या संदिग्ध कैंसर, गोलियां लेना शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आप धूम्रपान करती हों या माइग्रेन की समस्या से पीड़ित हों या मिर्गी की समस्या से पीड़ित हों या चर्म रोग से पीड़ित हों या 40 साल से अधिक उम्र के हों और धूम्रपान करती हों या आपने 5 साल तक लगातार इस दवाई का प्रयोग किया हो, इन सभी समस्याओं में महिलाएं डॉक्टरी सलाह पर ही यह गोली लें। तो ये थी जानकारी माला डी के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।